ये पेप्का TH-400 पॉज प्रिंटर है। इस तरह के अलग अलग कंपनी के अलग अलग पॉज प्रिंटर्स आते हैं, जैसे कि इप्सन, TVS, रियल पॉज, रेडसॉल और बाकी भी अलग अलग कंपनी के ब्रांड्स आते हैं। आज मैं इसमें आपको बताऊंगा कि सेल्फ टेस्ट कैसे लेते हैं और इसमें पेपर फीड कैसे होता है और इसके बाकी इंटरफेस के बारे में। तो पहले स्टार्ट करता हूँ इंटरफेस के थ्रू। यहाँ पे इसका इंटरफेस दिया हुआ है। इसमें 3 पिन पावर केबल है, पावर स्विच है। ये पावर स्विच के बाद यहाँ पे ये पावर केबल को कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस दिया हुआ है। इसको इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये कैस्ट्रॉल पोर्ट दिया हुआ है और उसके बाद ये इथरनेट पोर्ट, जैसे कि आपको लैन से कनेक्टिविटी करना है तो आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे सीरियल पोर्ट दिया हुआ है और ये USB दिया हुआ है। तो अभी इसको ओपन करने के बाद ये कवर ऐसे ओपन होता है। इस की को प्रेस करें तो आपका कवर ओपन हो जाता है। इसमें थर्मल प्रिंटर इस तरीके से लगाना है आपको। इसको ऐसे रख के फिर इसको ऊपर खींच के इसको प्रेस करना है। फिर उसके बाद ये स्विच को हम ऑन करते हैं और सेल्फ टेस्ट के लिए फीड बटन को, पेपर फीड बटन को प्रेस करके रखते हैं। और इसके पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं लाइट्स ऑन करूंगा यहाँ पे तीनों लाइट जलेगी, फिर 2 सेकंड के बाद ये वाली लाइट चली जाएगी, फिर उसके बाद मैं ये यहाँ से इसको रिलीज़ कर दूंगा तो आपका सेल्फ टेस्ट आ जाएगा। ये मैं स्टार्ट करा प्रिंटर, फिर ये लाइट चली गई। मैं अभी यहाँ से इसको निकाल रहा हूँ, सेल्फ टेस्ट आ गया आपका। और इसको आप देख सकते हो, इसमें आपका वर्जन डिटेल्स, IP एड्रेस सब कुछ दिया हुआ है। पूरे डिटेल्स इसमें आ जाते हैं, जो आपको ज़रूरी है आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स।